सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें, आगे आएं, अपनी चिन्ह को जमीन के साथ टच करें, को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटे जाए। अभी हम यहीं से करेंगे मरकटासन, गर्दन दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ, यहीं से हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के धीरे धीरे वापस आए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। कोहनियों को आपस में जोड़ें और सांस को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएं, पूरा पीछे की तरफ। आसन होता है और साथ में जांघों की, सशस्त्र सीमा बल जो कि गृह मंत्रालय का, भारत सरकार का एक विभाग है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, कश्मीर में अभी ये लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड है, बाकी भारत और भूटान बॉर्डर पर इसका डिप्लॉयमेंट है। इंटरनेशनल योग दिवस ये तो साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन हमारे फौज में सभी जवान ऑफिसर्स, सवर्ण ऑफिसर्स लगभग रोज की उनकी दैनिक जो क्रिया है उसमें योग शामिल है। जगह पे बैठ जाएंगे। योग जो कि हमारे शरीर के अंदर के सॉफ्टवेयर को मजबूत करता है, जैसे हमारा शरीर बाहर से दिखाई पड़ता है, लगता है वो पद्मासन, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, उसी प्रकार से पद्मासन के लिए पहले हार्डवेयर में बीमारी आ जाती है, लेकिन अगर हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा अंदर का तंत्र मजबूत रहता है, जिससे कि अगर हमारा अंदर का तंत्र मजबूत है तो बाहर कोई भी रोग नहीं मिलेगा, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। और इंटरनेशनल योग डे जो कि पिछले 9 साल से मनाया जा रहा है, ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। योग अभी भारत में ही नहीं, विश्व के लगभग सभी देशों में इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो भी अभी अमेरिका में वहाँ पर हैं, और वहाँ पर भी वो आज इंटरनेशनल योग डे काफ़ी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। अगर हम जवानों की बात करें तो उनके लिए स्वस्थ और योग कितना ज़रूरी रहता है? जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, हमारी दौड़ वगैरह होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं और विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये सब हमारे हार्डवेयर को मजबूत रखती हैं। हमारा बाहर से शरीर जो दिखाई पड़ रहा है उसको, मांसपेशियों को, मसल्स को मजबूत करती हैं। जिम में लोग जाते हैं, मसल्स मजबूत होती हैं, लेकिन हमारा अंदर का तंत्र कमज़ोर रहता है। तो अंदर के जो हमारे तंत्र हैं, हमारे जो अवयव हैं हमारे शरीर के, उनको मजबूत करने के लिए योग और प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसान के लिए योग की जो महत्ता है उसका जो है अभी से नहीं, हमारे पुरातन काल से ये चला हुआ है और बहुत प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको अपनाया है, और अभी तक भी भारतीय परंपरा के अनुसार ये चल रहा है और पूरे विश्व में भी ये अग्रसर है, फैल रहा है ये।